मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार किए। 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली तो वहीं 10 विधायकों ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मोहन यादव के कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी प्रतिमा बागरी, जो 35 साल की हैं। इसके बाद इसकी खूब चर्चा होने लगी कि आखिर ये हैं कौन। लोग ये भी जानना चाहे कि आखिर ये कहाँ की है, क्या करती हैं और इतनी जल्दी मंत्री कैसे बन गई। प्रतिमा बागरी सतना जिले की रैगांव सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कल्पना वर्मा को 36,000 से अधिक वोटों से हराया है। उन्हें मोहन यादव कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रतिमा ने पोस्ट ग्रेजुएट और LLB की पढ़ाई भी की है और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा FIR दर्ज नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नेताओं के खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज होते हैं, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। प्रतिमा बागरी का मुख्य पेशा व्यवसाय और किसानी है। उनकी कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपए हैं। प्रतिमा के पति संदीप सिंह बागरी व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। रैगांव सीट से पहले यहां पर BJP के जुगल किशोरी बागरी विधायक थे। उनके बाद उनका निधन हो गया और यहां पर उपचुनाव हुआ था। निधन के बाद उपचुनाव में प्रतिमा बागरी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी वह क्षेत्र में एक्टिव रहीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में BJP ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने यहां पर बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की। प्रतिमा बागरी पहली बार विधायक बनी है और पहली बार में ही मंत्री भी बन गई। प्रतिमा विधायक बनने से पहले महिला मोर्चा महामंत्री भी रहीं और उन्होंने संगठन में काम भी किया। प्रतिमा ने सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 7 सीटों पर जीतते प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। मंत्री बनने के बाद प्रतिमा बागरी मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंची और उनसे मुलाकात की, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर इसका फोटो भी शेयर किया। साथ में उन्होंने लिखा कि विकास और भी तेजी से होगा और प्रतिमा और भी विकास तेजी से करेंगे, आपको बहुत बहुत बधाई। रैगांव विधानसभा सीट से प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य बनने वाली प्रतिमा दूसरी विधायक हैं, जबकि सबसे कम उम्र में मंत्री पद के शपथ लेने वाली वो जिले की पहली विधायक हैं। इनके पूर्व रैगांव सीट से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रुगुल किशोर बागरी भी शिवराज मंत्रिमंडल में जल संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं। हालांकि बाद में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। आपको बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में BJP को प्रचंड बहुमत मिला है। कांग्रेस को पटकनी देकर BJP सूबे में 163 सीटों पर काबिज हुई है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 66 सीटें ही आई हैं। इस बड़ी जीत के पीछे BJP का माइक्रो मैनेजमेंट को भी बताया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भी BJP वहां पर जीत हासिल कर पाती है या फिर कांग्रेस का दबदबा बरकरार होने वाला है। लेकिन ये सब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। अब देखते रहिए। Thank you.